बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई को, इन्होंने अपनी दो महत्वपूर्ण रचना हम सबके बीच रखने का काम किया। और अब जिनको सुनने के लिए पूरा बिहार युवा व्यग्र रहते हैं, और सबसे कि मुझे ध्यान में है कि 10 बजे जब मैं यहाँ था प्रांगण में, तो एक लड़का यहाँ आया, नाम तो मैं नहीं पूछ पाया। उन्होंने पूछा कि विकास वैभव जी का आज यहाँ कार्यक्रम है। कल यहाँ है, कितने बजे से वो आएंगे? हम कहे वो आएंगे 2 बजे। तो उन्होंने कहा तो मैं अभी जा रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। हमने कल कहीं पोस्टर देखा कि विकास वैभव जी आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं जानने आया कि कितने बजे वो निर्धारित समय से आएंगे, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है, तैयारी भी करनी है। तो अब मैं 2 बजे ही आऊंगा और विकास वैभव जी को सुनने के लिए आऊंगा, ताकि उनसे कुछ प्रभावित होकर कल जब मैं एग्जाम में बैठूं तो बेहतर लिख सकूं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनको सुनना चाहते हैं, तो हम बिना विलंब किए आग्रह करते हैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत, लेट्स इंस्पायर बिहार के संरक्षक संस्थापक विकास वैभव जी से, जो संप्रति गृह विभाग में विशेष सचिव हैं, आप आए और हम सबका मार्ग दिखाएं कि किस तरह से यह अभियान आगे बढ़ेगा, और समाज में जो कुरूति है उससे कैसे हम सब छुटकारा पाएंगे। शिक्षा, समता और उद्यमिता, 3 विषय को लेकर जो यह अभियान चला है वह किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश आपके तरफ से है, हम आग्रह करते हैं विकास वैभव जी से। जोरदार तालियों के साथ आप अपने बीच विकास वैभव जी का स्वागत और अभिनंदन करें, और इनका संबोधन सुनकर हम सब लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभाकर जी, आवाज आ रही है ना पीछे? तो मिलकर प्रेरित करें बिहार इस अभियान के अनेक जिलों में युवाओं के साथ संवाद के कार्यक्रम हुए हैं। अभी 22 मार्च को पटना के रविंद्र भवन में बिहार के सभी जिलों से 1200 से अधिक व्यक्ति प्रथम वर्षगांठ पर सम्मिलित हुए। आज स्वैच्छिक रूप से अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग जिलों में, बिहार के बाहर नगरों में, विदेशों में बिहार के लिए कुछ करने का, कुछ सकारात्मक योगदान करने का संकल्प लेकर 25,000 से अधिक लोग जिस अभियान में जुड़े हैं, उसके अपने ही जिले में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में सबसे पहले अपने पूर्वजों की भूमि, प्राचीन मिथिला के ज्ञान के गौरव की प्रतीक रूप में उस दक्षिणी क्षेत्र, जिसके उत्तर में हिमालय हो, दक्षिण में माँ गंगा हो, पूर्व में कौशिकी हो और पश्चिम में गंडकी हो, उसके दक्षिणी क्षेत्र में ओज की प्रतीक भूमि, शौर्य की प्रतीक भूमि, राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियां जहां हर युवा की धड़कन रूप में स्थापित है, वैसी ओजस्विता की भूमि बेगूसराय को मैं नमन करता हूं। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अशोक कुमार सिंह अमर जी, डॉक्टर धीरज शांडिल्य जी, डॉक्टर कमलेश जी, डॉक्टर राजेश जी, अलख जी, शिव प्रकाश भारद्वाज जी, अभिषेक शांडिल्य जी, कार्यक्रम में उपस्थित अलग अलग प्रखंडों से आए देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, लेट्स इंस्पायर बिहार बेगूसराय में समन्वय का कार्य करने वाले सभी साथियों, प्रभाकर कुमार राय जी, ब्रजेश जी, अभिषेक जी, नंदन जी, बसंत जी, रमन जी, उपस्थित मित्रों, श्रृंखला लंबी हो चली है। पिछले वर्ष बिहार दिवस का कार्यक्रम था, उसी दिन मैंने आह्वान किया था
कि बिहार को यदि हम उस रूप में देखना चाहते हैं जो हमारे सपनों का बिहार है, तो कहीं और नहीं देखना होगा। अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, और उसको यदि हमने करना प्रारंभ कर दिया तो कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। जब चिंता छोड़कर हम चिंतन करेंगे समस्याओं पर, आपस में संघर्ष मिटाकर सहयोग की भावना को जन्म देने का प्रयास करेंगे, तो उज्ज्वल भविष्य को भला कौन रोक सकता है। अभियान की परिकल्पना कहीं न कहीं व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में बचपन से ही एक प्रकार से जुड़ी हुई रही है। अनेक कारणों को कई बार सोशल मीडिया पर भी मैंने साझा किया, अनेक साक्षात्कारों में साझा किया। जीवन के अगर स्कूल की बात करें तो सभी लोग लगभग जानते होंगे, मेरे पिताजी भी इंडियन ऑयल में सेवा किया करते थे, अब रिटायर होकर नोएडा में ही इंडियन ऑयल की कॉलोनी में रहते हैं। विद्यालय में दूसरी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक यहीं सेंट पॉल्सपुर में पढ़ा। शिव प्रकाश भारद्वाज जी भी मेरे सीनियर थे। स्कूली शिक्षा करीब भारत के अलग अलग विद्यालयों में, कुल मिलाकर 7 विद्यालयों मैंने ग्रहण की। 10th मैंने नोएडा से किया था, केंद्रीय विद्यालय, और 12th मैंने दिल्ली से किया था, सरदार पटेल विद्यालय, जो दिल्ली का आज भी सबसे अग्रणी विद्यालय माना जाता है। लेकिन इतने विद्यालयों में भी अध्ययन करने पर यदि मैं कहूँ कि किस विद्यालय ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया, या जिसकी शिक्षा को ग्रहण करते हुए आज भी मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी सभा में बोल पाता हूँ, तो यही सेंट पॉल स्कूल था जो कभी इस बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में स्थापित थी। अनेक विद्यालयों में घूमने का अवसर मिला, भारत के विभिन्न कोनों में, दिल्ली में सबसे श्रेष्ठ विद्यालय में भी रहा। लेकिन जिस प्रकार की शिक्षा का वातावरण उस समय बेगूसराय में था, वैसा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिला। बाद में IIT कानपुर भी पहुंचे, एक अलग लेवल पर शिक्षा को मैंने ग्रहण किया। लेकिन कहीं न कहीं बचपन में कुछ बात थी, और उस रूप में उस समय की जो अनुभूतियां थी, चिंतन करता रहता था कि कैसा होना चाहिए। उस समय बेगूसराय में थे, लेकिन बेगूसराय में रिफाइनरी टाउनशिप में थे। टाउनशिप में थे तो माहौल अंदर थोड़ा अलग था, लेकिन बाहर के माहौल से बिल्कुल भी अप्रभावित नहीं था। पिताजी की पोस्टिंग फिर 86 से 93 में रहे थे, उसके बाद 98 में हुई, उसका 98 से 2001 रहे। समाचार पत्र पढ़ते थे, मित्र आते थे, तरह तरह की बातें बताते थे। अनेक आपराधिक घटनाओं को भी मैंने होते देखा। मुझे स्मरण आता है वर्ष 1998 के करीब की बात रही होगी, इंडियन ऑयल के ही एक इंजीनियर थे, उनकी हत्या यहीं चौक पर हुई थी, और जिसने मुझे अंदर से बहुत विचलित किया था। बहुत छोटी छोटी घटनाएं थी, जब विद्यालय में पढ़ते थे तो हर विद्यार्थी का आदर्श, उस समय कोई बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे उनके नाम पर कहानियां चलती थी, जब आपस में टिफिन के समय बातें होती तो पता नहीं किसी सम्राट की बात होती, कोई किसी और की बात करता, इस प्रकार की बातें करते हुए लोग पाते और बड़े गौरवान्वित होते थे। उस माहौल में मैं पढ़ रहा था। उसी समय जब गांव जाता, समस्तीपुर में ननिहाल है, शिक्षा के स्तर को देखता तो बड़ी चिंता होती। सेंट पॉल्स में जो माहौल था, सब लोग जानते हैं किस प्रकार का माहौल था, कितने अच्छे से पढ़ाई होती थी, बड़े तन्मयता के साथ होती थी, हर प्रतियोगिता में पूरी ऊर्जा के साथ, प्रतिस्पर्धा के साथ लोग भाग लेते थे। लेकिन जब गांव जाते तो देखते क्या मनोदशा है, क्या मनोवृत्ति है। हम तो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि जीवन में कुछ बनना है, परिश्रम के साथ बनना है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस क्षेत्र में कभी ज्ञान का ऐसा वातावरण रहा हो, जो प्राचीन पुस्तकों में पढ़ते हैं, उसमें बच्चे भटक रहे हैं। मुझे स्मरण आता है कुछ ऐसे बच्चों से भी मिलने का अवसर मिला जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं कुछ और लिखते थे,
प्रश्न पत्र लीक कराने का प्रयास होता था, अनेक प्रकार के युक्तियां लगाकर किसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करके डिग्री पाके फिर उसके बाद किसी प्रकार से नौकरी लग जाए, इस प्रकार प्रयत्न करते हुए लोग पाए जाते थे। उस अवस्था में मेरा बचपन बीता है, चिंता बनी रही। उसी समय जब कई बार मैंने साझा किया कैसे प्रेरणा जगती गई, तो नालंदा गए तो उस समय गाइड ने बताया कि पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, ठंडे रास्तों से चलकर आते थे, जिंदगी को जोखिम में डालकर चलने पढ़ने आते थे। पिताजी की पोस्टिंग फिर भोपाल हुई, उस समय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एक संगठन है, एक वर्ष रहे, केंद्रीय विद्यालय भोपाल पहुंचे तो अभी तक तो बरौनी में थे, बड़े गर्व से कहते थे बिहट के हैं, जो सुनता था डरता भी था कि बिहट के हैं, लेकिन वहां जब पहुंचे तो बिहारी नाम से कहे जाने लगे, तो बड़े असमंजस की स्थिति तब हुई जब लगा कि मंशा कुछ और है, एक अलग अनुभव हुआ। और चिंतनशील था, यहाँ जब था सेंट पॉल्स में तो अपने क्लास का टॉपर था, एकाएक भोपाल पहुंचा तो बिहारी नाम से संबोधन होने लगा, तो मन में कहीं ना कहीं पीड़ा झलकने लगी कि जिस बिहार का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, जो प्राचीन काल से ही ज्ञान की भूमि रही, ऐसे शौर्य की भूमि रही जिसमें अलक्षेंद्र को भी लौटना पड़ गया, उद्यमिता की भूमि रही जिसमें चंपा पाटलिपुत्र जैसे नगर थे, उस बिहार को जिससे कभी राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे विदिशा में, तक्षशिला में, और अशोक भी कभी विदिशा भेजे गए थे, वहां पर यदि लोग आज बिहारी को उपहास का पात्र समझते हैं तो कहीं ना कहीं तो हम अवश्य दिग्भ्रमित हो गए हैं। क्योंकि जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी और आज की भांति संचार के माध्यम नहीं थे, तब जब हमें ऐसी क्षमता थी कि हम लोगों को इस प्रकार से जोड़ सकते थे कि छोटे छोटे राज्यों को, गणराज्यों को मिलाकर एक अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सकते थे, जिसकी सीमा आज के भारत से भी कहीं अधिक विस्तृत थी, हिमालय के उत्तर तक थी, अफगानिस्तान के पार तक थी, पूर्वोत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक थी, ऐसे अखंड भारत के निर्माता तो हम ही थे, हमारे पूर्वज थे। ऐसी क्या कमी आ गई उस समय, जब ऐसी कल्पनाएं मन में हो तो निश्चित आदमी को बड़ा गर्व होता है, एक वर्तमान से प्रभावित तो होता ही है, और विद्यार्थी आसपास के जब बिहारी बोलते तो तब इनको भी सिद्ध करना होगा, मैं तो सेंट पॉल से आया हूँ, वहां टॉपर था, चलो कुछ और नहीं प्रतिकार उस रूप में नहीं देना है कि भाई मैं उन्होंने कुछ कहा तो मैं कुछ और ऐसी टिप्पणी करूँ जो उनको आहत करे, प्रतिकार अपने सामर्थ्य से देना होगा। और उसी प्रकार अगली कक्षा में पढ़ने लगे तो वहां भी क्लास के टॉपर बने। जिस चीज में किसी पैरवी की आवश्यकता नहीं थी, केवल परिश्रम से कर सकते थे, उसको करने की तब मैंने ठानी, टेंथ भी अच्छा रहा, ट्वेल्थ भी बढ़िया नंबर आए, आईआईटी की परीक्षा हुई तो बड़ी अच्छी परीक्षा गई थी, उम्मीद थी कि टॉप 100 जरूर आएंगे, बहुत मेहनत की गई थी। लेकिन अगले ही दिन जब सुबह सोकर उठे तो पता चला कि प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं, और आईआईटी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन 97 में पहली बार क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए, और लीक का केंद्र यही बिहार था, ऐसा सुनकर ऐसा आघात पहुंचा जिसकी वर्णन शब्दों में मैं नहीं कर सकता। मैंने लिखा था उस समय अपनी डायरी में, डायरी लिखने की आदत बहुत बचपन से थी, अ बैटल व्हिच वाज वन सो वेल इज येट टू बी वन, जिस युद्ध को अच्छी तरह से विजित किया गया था उसे पुनः जीतना बाकी। बड़ी पीड़ा थी, और पीड़ा अपनी भूमि से मिल रही थी, क्योंकि जिस भूमि को उस आदर्श रूप में इतिहास में मैं देखता था उसके वर्तमान को उस प्रकार से दिग्भ्रमित अवस्था में देख रहा था, जहां जिस ऊर्जा को सही दिशा में लगनी चाहिए थी उसकी दिशा कुछ और ही हो चुकी थी। उसी समय फिर परिश्रम हुआ, आईआईटी कानपुर पहुंचे तो उस समय भारत के सबसे अग्रणी विद्वानों से भी मौका मिला बात करने का, समझने का, जो भी वहां उस समय पढ़ता था। आज तो बहुत सारे आईआईटी खुल गए हैं हर राज्य में, उस समय केवल 6 आईआईटी हुआ करते थे और उसमें केवल 2000 सीटें हुआ करती थी, और जो भी पढ़ने आता लगभग अपने जिले का, अपने क्षेत्र का टॉपर ही हुआ करता था। वैसे लोगों से मिलकर एक प्रकार से सीखने को भी बहुत कुछ मिला, आज भी अनेक मित्र हैं जो विदेशों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कर चुके हैं, बहुत अलग अलग माध्यम से बहुत धनी हो चुके हैं और विश्व के अनेक कोनों में रहकर वहां के लोगों के बीच काम कर रहे हैं। वैसे लोगों के साथ उस समय जब पढ़ता था
तो पिताजी की पोस्टिंग जैसा मैंने बताया 98 में फिर बेगूसराय हो गए, बुरानी रिफाइनरी में उसमें पोस्टेड हुए, बड़े व्यस्त रहते थे। तो पहली बार झटका 98 में तब लगा जब पिताजी ने गर्मी की छुट्टियों में आने से मना किया कि पकड़ के शादी होती है। और एक तो ऐसे ही पूरे समय आईआईटी में पढ़ाई का ऐसा माहौल और बेगूसराय की स्थिति से अभिज्ञ नहीं था, तो बड़ी पीड़ा बढ़ती गई। और लगभग वही समय था जब मुझे लगा कि अगर बाहर कहीं मैं भी चला जाता हूँ, अच्छी बात है, अच्छी नौकरी करूंगा। पिताजी बड़े निराश रहते थे, बोलते थे सरकारी सिस्टम नहीं आना है, इंडियन ऑयल की सिस्टम की बात करते थे, बोलते थे बड़ी राजनीति होती है, जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको सम्मान नहीं मिलता, ईमानदारी से काम करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, बहुत प्रकार की बातें करते थे। और ये भी कहते थे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, बाबा भी सामने बैठे हुए हैं, कि हमारे परिवार का जो संस्कार है इस प्रकार का नहीं है कि तुमसे कभी बेईमानी हो पाएगी, तो तुम जिंदगी भर असंतुष्ट रहोगे, इसलिए तुम जाओ बढ़िया से विदेशों में जाकर नौकरी करो। बड़ा दर्द होता मुझे कि ठीक है पिताजी बातें तो बड़ी अच्छी कहते हैं, लेकिन यदि हर व्यक्ति इसी रूप में सोचने लगा, निराश हो गया, तो परिवर्तन कौन करेगा। यदि स्थितियां यथावत रही तो ठीक है, मैं तो विदेश चला जाऊंगा, खुश भी रहूंगा, बड़ी अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, लेकिन जब लौट के आऊंगा तो पीरियड से नाता तो नहीं टूटेगा, निश्चित आऊंगा। इच्छा थी, मैंने देखा था कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में कम उम्र में ही आप ऐसे पोजीशन पर पहुंच जाते हैं जिसमें आप समाज में कुछ योगदान दे सकते हैं, और किसी पैरवी की आवश्यकता नहीं थी। आज तक सिविल सेवा परीक्षा के पेपर भी लीक नहीं हुए, लगा कि परिश्रम करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी, और वह सीढ़ी जहां से आप समाज में कुछ दे सकते हैं उसको प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सौभाग्य देखिए, जिस बिहार को देखकर विचलित होकर मैंने निर्णय लिया, ईश्वर ने भी बड़ा मुश्किल होता है हम कैडर मिलना, परीक्षाएं बहुत लोग देते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा संयोग बहुत कम ही मिलता है। जब आप परीक्षा दीजिए अपने राज्य के भी आप उस सेवा में टॉपर होइए और आपको होम कैडर मिले, कहीं कि दैवीय संयोग था जिसमें उस समय सीट्स भी बहुत कम थी। सिविल सेवा के इतिहास में 2003 में 262 सीट ही चुनी लोग चुने गए थे, अभी करीब 1200 से अधिक लोग चुने जाते हैं, लेकिन जब मेरा चयन हुआ साफी रैंक आई तो 40 पर ही आईएएस जनरल कैटेगरी में क्लोज हो गया था। बीच में दो तीन लोग थे जो बिहार के थे, लेकिन उन्होंने किसी ने अपना राज्य झारखंड दिखाया था, किसी ने फॉरेन सर्विस दिखाया था, कुछ दैवीय संयोग था जो बिहार पुलिस ने मुझे लाना चाहती थी। और इसको जब ग्रहण किए तो मैंने पिछली बार दोबारा भी परीक्षा दी थी, फॉरेन सर्विस मिला 62वीं रैंक आई, मैंने दोबारा नहीं सोचा। जिस संख्या को लेकर चला था उसको करने का समय आ गया था, इसको लेकर बिहार आया। बिहार आया तो प्रभाकर जी बता रहे थे, कई लोग अलग अलग माध्यमों पर मैंने साझा भी किया है किस प्रकार की चुनौतियों का सामना अलग अलग जिलों में करना पड़ा। पखा की बात इन्होंने की, 2006 में पोस्टिंग हुई, मिनी चंबल कहते थे, शुरू में पोस्टिंग हुई थी, 4 किसानों की हत्या हो गई थी, जन आंदोलन हुआ था, 2 लोग मारे गए थे पुलिस फायरिंग में। उस परिस्थिति में रातों रात पटना सिटी एसपी से गया था, शुरू में 1 सप्ताह नियंत्रित करने में लगा, लेकिन उसके बाद जब पहली किडनैपिंग हुई और पुलिस मुख्यालय को मैंने उस समय फोन करके बताया तो मन बड़ा विशेष था। उस समय पटना में था, पटना में जब अपहरण होते थे तो बड़ी विषम परिस्थिति हो जाती थी, रात को नींद नहीं आती थी, अखबारों में आधे पेज केवल अपहरण की सूचनाएं चलती थी, कॉलेज के विद्यार्थी अलग अलग समाज सेवी संगठन कैंडल लाइट मार्च निकाला करते थे, लेकिन बघा में जब अपहरण की सूचना हुई उसी प्रकार मन विचलित हुआ और पुलिस मुख्यालय को बताए तो कहा गया परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से रहिए, बघा ऐसा ही चलता रहा है, बहुत समय से चलता रहा है, और उसमें अलग अलग ऑपरेशन भी चले हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग गए हैं, ऑपरेशन व्हाइट पैंथर चला है, ब्लैक पैंथर चला है, लेकिन स्थितियों में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। किसी अंग्रेज ने भी लिख दिया यूनिवर्सिटी ऑफ टाइम अपने गजटियर में, उस बघा में जब लोगों से बात होती तो लोग यही कहते थे कोई अपराध तो यहाँ आज से नहीं, महर्षि वाल्मीकि के समय से
आपको याद कीजिए वाल्मीकि कहाँ के थे, यही ना वाल्मीकि आश्रम है। तो रत्नाकर से वाल्मीकि का जो परिवर्तन था उस प्रेरणा को मैंने बयान करते हुए तब पहली बात तो गन्ना कटाई के अभियान की बात की, 20 लाख से अधिक राशि 2006-07 में सरकार के खजाने में गई, आर्थिक रीत टूटी लेकिन वहां भी समाधान नहीं होता। समाधान इतिहास की वो प्रेरणा थी जिसने कभी भला रत्नाकर, यदि रत्नाकर रहे होते तो क्या आज विश्व किसी वाल्मीकि को जानता। इसी प्रश्न से जब लोगों को उद्वेलित करना मैंने प्रारंभ किया, चीजें बदलने लगी। मन के भाव जब मन से निकलते हैं तो डकैतों के परिवारों को भी छू जाते हैं, जिनकी पूरी जीवनचर्या केवल इसी पर थी कि किसी प्रकार से अपराध से राशि लाई जाए, अपने परिवार का भरण पोषण किया जाए। वैसे लोगों के बीच भी जब इस प्रेरणा को हम लोगों ने प्रसारित करना प्रारंभ किया कि रत्नाकर यदि रत्नाकर रहे होते तो बोला विश्व किस वाल्मीकि को जानता, लेकिन एक परिवर्तन जब उन्होंने करने का निर्णय लिया तो पूरे विश्व के लिए पूज्य हो गए। तो क्यों ना अपने भाई बंधुओं को आप समझाएं, इस मिट्टी के प्रति उनके कर्तव्यों को बताएं। और ऐसा जब होने लगा तो प्रारंभ में किसी एक डकैत ने हमारे आह्वान पर आत्मसमर्पण किया और श्रृंखला जब बढ़ती चली गई तो बड़े से बड़े मिलाकर करीब 26 डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसमें उस समय बिहार के सबसे बड़े अपराधी जिन पर 135 से अधिक मुकदमे थे उनके द्वारा भी 24 मई 2008 को जब आत्मसमर्पण किया गया तब लगा कि मिनी चंबल का बदनुमा दाग मिट गया है। जिनके द्वारा समर्पण किया गया आज भी बगहा जेल में है, जिस क्षेत्र में कभी 100-150 इतने किडनैपिंग पूरे साल में होते थे जो रजिस्टर्ड होते थे, अनेक किडनैपिंग तो लोग रजिस्टर कराते ही नहीं थे क्योंकि ऐसी व्यवस्था पर लोग मान चुके थे। उसमें जब वर्ष 2008 में मैं जा रहा था तो संख्या शून्य पर आ गई थी। परिवर्तन एक व्यक्ति नहीं करता, एक व्यक्ति कोई संकल्प लेकर चल सकता है, बातें लेकर चल सकता है, एक परिवर्तन तभी संभव होता है जब लोग जुड़ते हैं। बगहा में जो हुआ उसको हर पुलिसकर्मी जो उसमें बगहा में था, जितने बगहा वासी हैं सभी को उसका श्रेय जाता है क्योंकि सभी मिले क्षेत्र परिवर्तन चाह रही थी, चाहती थी होना, लेकिन एक माध्यम जब मिल गया चीजें बदल गई। जिसको मिनी चंबल कहते थे, पूरी की पूरी बस किडनैप हो जाती थी, वहां भी परिवर्तन हुआ। उसके बाद रोहतास पोस्टिंग हुई, रोहतास की स्थिति और विषम थी। बगहा का क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र था, विशाल दियारा था, रोहतास में कैमूर की पहाड़ी थी जिस पर चढ़ना आसान नहीं था, आज भी आसान नहीं है, लेकिन उस समय कच्चे रास्तों से यदि गाड़ियों से जाते तो ऊपर चढ़ने में कम से कम 22 किलोमीटर लगते थे और 22 किलोमीटर का रास्ता कच्चा रास्ता था जिस पर जगह जगह पर लैंड माइंस लगी रहती थी। और कहीं भी पहाड़ पर आप जाएं तो उस पूरे लगभग 3200 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल में पुलिस का कोई पोस्ट नहीं था, ना फोन काम करते थे, ना सैटेलाइट फोन काम करते थे और ना वायरलेस सेट भी जिले के मुख्यालय से संपर्क में रहते थे। उस परिस्थिति में भी आप पहाड़ पर पहुंच गए किसी गेन केन प्रकारे तो संपर्क का कोई माध्यम नहीं था, लेकिन संकल्प प्रबल था परिवर्तन तो करना है। बचपन की एक बात उस समय से कि बिहार में यदि सब विमुख हो गए, सब आसानी से रहने लगे तो परिवर्तन कौन करेगा। तो आमतौर पर व्यक्ति क्या करता है, जब जाता है समस्याओं को देखता है तो समस्याओं के साथ एडजस्ट कर जाता है, देखता है चलो समस्या तो रहेगी, बदलने वाली नहीं है, अपने जीवन में मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जीवन को मैं सरल कर लूँ, इंसुलेट कर लूँ, सामान्य प्रवृत्ति। और इसमें मैं कहूँगा इसमें कोई वैसी असामान्य बात भी नहीं है, लेकिन परिवर्तन कैसे होता है यही बताना मैं चाहता हूँ। इसीलिए जो अभियान चल रहा है लेट्स इंस्पायर बिहार, उसकी परिकल्पना भी कहीं ना कहीं इन्हीं व्यक्तिगत अनुभव से भी जुड़ी हुई है। रोहतास में जब शुरू में घूमने शुरू हुए तो बड़ा आसान नहीं था, पहाड़ी पर जाना कठिन था, खतरा था, कभी भी लैंडमाइंस लग सकती थी, उग्रवादियों के जितने गुप्तचर थे पूरे रास्ते में लगे रहते थे और रोड इतने खराब थे कि रोहतास से डेहरी जाने का जो मार्ग था जो 40 किलोमीटर का था उसको जाने में 4 घंटे लगते थे, हिलते डुलते किसी तरह पहुंचते थे कि वो रोड नहीं थी। लेकिन उसमें जब रात में हम लोग जाते तो 3 बार ऐसा हुआ कि पहाड़ी पर रात के अंधेरे में चले जिसमें अनुमान नहीं लग पाया कि पुलिस की गाड़ी है
और सुबह सुबह एक घंटे में घूमकर उन सभी क्षेत्रों को मैंने देखा जहां कभी उस समय तत्कालीन डीएफओ थे संजय सिंह, उनकी 2002 में हत्या हुई। उस समय के जितने थाने थे क्षेत्र में जिनको उग्रवादियों द्वारा लक्षित किया गया, अनेक पुलिसकर्मी शहीद हुए, उन सभी क्षेत्रों को मैंने देखा। फिर जहां विक्रमगंज के डीएसपी शहीद हुए उस क्षेत्र को मैंने देखा, युद्ध चल रहा था जो घोषित नहीं था, लेकिन घोषित युद्ध ऐसा चल रहा था जिसपे हर समय एक प्रकार की मनोदशा हर पुलिसकर्मी की यह थी कि कभी भी आक्रमण हो सकता है। उस परिस्थिति में प्रतिकार करना आसान नहीं था, लेकिन जब हम लोग चलने लगे तो पहली बार 3 सितंबर 2008 को सुबह सुबह सोली गांव में मुठभेड़ हुई, पहाड़ी पर हुई, उग्रवादियों के गढ़ में हुई, और यह पहला अवसर था जब रोहतास पुलिस पहाड़ पर गई थी और किस बिना नुकसान के उग्रवादियों के गढ़ में घुसकर हथियारों का जखीरा लेकर लौटी थी। लेकिन आसान नहीं था, उसके कुछ दिन बाद ही 24 सितंबर, आज भी आप रोहतास की पहाड़ी पर घूमने जाएंगे, आज वो पर्यटक स्थल बन चुका है, लेकिन 24 सितंबर 2008 को उसी जगह पर उसी सोली गांव में जहां पहले मुठभेड़ 3 सितंबर को हुआ, पुलिस पर फिर आक्रमण हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ, पुलिस की एंटी लैंडमाइन व्हीकल क्षतिग्रस्त हुई, आज भी वहीं पड़ी हुई गाड़ी कई ट्रेनों की होती है, उसको उठाना संभव नहीं था। जो परिस्थिति थी उसमें कितना भी प्रयास किया जाता उस गाड़ी को लाना, जिसके चक्के उड़ गए हो, उस वजन को उठाकर लाना उस परिस्थिति में उस समय आसान नहीं था। आज भी गाड़ी वही है, लेकिन चीजें बदल गई। जिस वाहन में कभी जिस क्षेत्र में लोग जाने की कल्पना दिन में भी नहीं करते थे, आज रात्रि पर वहीं पर टेंट लगाकर पहाड़ियों में लोग घूमते हैं। कैसे परिवर्तन हुआ? लोगों से पहला तो बिहट के आदमी हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं, कोई चुनौती मिलती है तो लगता है एकदम भिड़ जाए, तो प्रवृत्ति वही थी। तो पहले तो उसी ऑपरेशन विध्वंस चला, आदमी अपने आप को, हम लोग कोई बेगूसराय का आदमी अपने आप को किसी से कम समझता है, नहीं समझता, लगता है कि भाई हम इतनी शक्ति अंदर से है, कुछ ना कुछ भूमि में ऐसी उभरता है हर व्यक्ति को, उस प्रकार से वो कॉन्फिडेंस देती है कि हम किसी से भिड़ सकते हैं। और अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत अनुभवों को जब मैं देखता हूँ तो ऐसे ऐसे लोगों से भिड़ गए जिसकी कल्पना कोई असामान्य व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन वो संस्कार, वो स्रोत, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं भूमि से मिलती है और बताती है कि यदि सही हो तो किसी से भी भिड़ सकते हो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकते। इतिहास में उस समय इसी भावना के साथ जब चले तो ऑपरेशन विध्वंस चला, विध्वंस जब चला तो लगभग 3-3 रात तक शिविर लगते, 300-300 पुलिसकर्मी साथ में रहते, हम लोग चलते पैदल 10 किलोमीटर शिविर लगाते, रात रुक जाते, 3-4 रात पहली बार चला। उस समय ग्रामीणों से बात करने का अवसर मिलने लगा, पहले लोग भाग जाया करते थे पुलिस को देखकर, उनके बच्चों से हम लोगों ने बात करनी शुरू की, फिर लोगों को बुलाया, मुख्य धारा से बिल्कुल कटे हुए थे। एक गाँव तो ऐसा था उसमें बिजली का बल्ब नहीं चलता था, जब पहली बार टेंट में हम लोगों ने रात में जनरेटर जलाया तो गाँव के बच्चे आ गए, उन्होंने जीवन बल्ब नहीं देखा था, ट्रेन की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने बल्ब तक नहीं देखा था, बात 2008 के 4 अक्टूबर की मैं कर रहा हूँ। इस परिस्थिति में जब बात करने लगे तो हर व्यक्ति अपने पूर्वजों पर बड़ा गौरवान्वित था, वो कहता कि हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, हमारे पूर्वज इतने यशस्वी थे कि जब कुछ नहीं था, मार्ग नहीं थे, इस प्रकार की प्रौद्योगिकी नहीं थी, तब रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित कर सकते थे 1500 फीट की ऊंचाई पर, जिसके बारे में जब मुगल भी आए तो उनके लेखन फरिश्ता के द्वारा भी लिखा गया कि दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। और लगभग ऐसे दुर्ग के निर्माण करने वाले जो हमारे पूर्वज थे, वो राजा हरिश्चंद्र के वंशज थे, इसलिए हम अपने आप को रोहितास के नाम पर रोहतास कहते हैं, रोहितास हरिश्चंद्र के पुत्र थे। इस भावना को ग्रहण करके तब हम लोगों ने संवाद स्थापित किया, हमने कहा कि भाई आप इतने यशस्वी पूर्वजों के वंशज हैं, रक्त तो वही होगा, वो ऐसा संयम कर सकते थे जिसको जब अफगान शासक शेरशाह सूरी भी आए तो आपके दुर्ग को बल से नहीं जीत पाए, उनको भी छल का सहारा लेना पड़ा, इतिहास साक्षी है। तो आप में क्या कमी आ गई कि आज आप संघर्ष किए पड़े हो, कोई पुलिस से बच रहा है, कोई आपस में बच रहा है, क्यों ना उस सृजन शक्ति को दोबारा स्मरण करके हम आगे बढ़े। हमने सोन महोत्सव के नाम से आयोजन का आह्वान किया जिसका उद्देश्य था कि हम हर पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, हर उग्रवादी क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, उग्रवादियों का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से जुड़कर बताएंगे कि आपके पूर्वजों की क्षमता क्या थी, क्या कर सकते थे, आप में क्या कमी आ गई, और कमी आ गई तो दूर क्यों नहीं करते हो, आओ मिलकर कुछ करते हैं।
ऐसा करना हम लोगों ने प्रारंभ किया, सबका सहयोग मिला, डॉक्टर यहाँ भी बैठे हैं, इस प्रकार से रोहतास के जो चिकित्सक समुदाय थे सब चले, जिस क्षेत्र में जाने में डरते थे पुलिस के साथ जाने लगे, शिविर लगाने लगे लोगों के लिए, उससे पहले उनके लिए शिविर उग्रवादी लगाया करते थे, लेकिन जब आह्वान हम लोगों ने किया हर व्यक्ति जुड़ा, रेंटो सोसाइटी हो, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हो, इन क्षेत्रों में जाकर लोगों से जब जुड़ाव महसूस होने लगा, जो लोग भाग जाया करते थे उनके साथ मिलकर उनके ही पूर्वजों की स्मृति में हम उत्सव मनाने लगे। यही कारण रहा कि जिस किले पर कभी 26 जनवरी 15 अगस्त को काले झंडे लहराए जाते थे, उस पर 26 जनवरी 2009 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज पूरी शोभा के साथ विराजमान हुआ और संगला बनी हुई। यही कारण था कि जब 2009 में पहाड़ी पर चुनाव नहीं हुए थे, कई लोगों ने स्वतंत्रता के बाद वोट नहीं डाला था, लेकिन जब पहली बार हम लोगों ने कराने का प्रयास किया तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पूरी कंपनी पर उग्रवादियों द्वारा हमला कर दिया गया। बीएसएफ की कंपनी पर पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार से भारत के अंदर कभी हमला नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध में भले लोगे वाला का युद्ध हुआ हो, अनेक प्रकार से बीएसएफ की कंपनी पर अटैक हुआ हो, लेकिन भारत के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कंपनी पर उसके बाद भी नहीं हुआ, उसके पहले भी आक्रमण नहीं हुआ था। लेकिन रोहतास में रॉकेट लॉन्चर्स के साथ 2009 में आक्रमण हुआ, लेकिन संकल्प प्रबल था कि चुनाव अगर कराएंगे तो यही कराएंगे। पहली बार 16 अप्रैल 2009 को चुनाव होना था, रात को गोलियां चली, एक जवान जख्मी हुए, चुनाव नहीं हो सका, लेकिन तब भारत निर्वाचन आयोग से बात करके केवल 3 भवनों के लिए, 3 भवन, 5,000 वोटर थे, 6 बूथ थे, उसके लिए 1600 जवान लगे, 16 कंपनियां लगी, लेकिन उसी पहाड़ी पर वही मतदान हुआ। और जब 50% से अधिक लोगों ने मतदान दिया तो मन कहने लगा जिस परिवर्तन की हम कल्पना कर रहे हैं उसके साकार होने का प्रारंभ हो चुका है। जो आदिवासी पूर्व में उग्रवादियों का समर्थन करते थे, वही लोग उन उग्रवादियों से प्रश्न करने लगे कि आपके गतिविधियों के कारण हमारे क्षेत्र का विकास बाधित हो गया है। स्थिति ऐसी बनी कि जिस क्षेत्र में कभी पुलिस को सूचनाएं नहीं मिलती थी, वहां यदि थोड़ी सी हलचल होती तो पहली सूचना पुलिस को मिलने लगी। ऐसा दबाव बना और उसके साथ जब आह्वान हुआ कि अपने क्षेत्र के विकास में जुड़िए, मुख्य धारा से जुड़िए, तो जो असंभव प्रतीत होता था वह भी संभव तब हुआ जब सारे आधुनिक शस्त्रों के साथ स्थानीय उग्रवादी दस्तों ने आत्मसमर्पण कर दिया। रोहतास बदल गया है, मार्ग आज भी नहीं, मार्ग आज भी कच्चे हैं, उस पर आज भी आप लैंडमाइन लगा सकते हैं, लेकिन उसी रोहतास में जहां कभी गोलियों से स्वागत होता था, इसी वर्ष 4 दिसंबर 2021 को गए तो दृश्य ही अलग था। इतिहास की प्रेरणा में इतनी अद्भुत शक्ति है जो निश्चित ही भविष्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है, यह मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है। और इसीलिए जब युवाओं से बात होती तो युवाओं से संवाद करता रहा हूं, जिसमें जिले में रहा, बाद में डीआईजी भी रहा। वर्ष 2021 के 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर आमतौर पर सफलता के सूत्रों पर संवाद करता था, व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है, कैसे स्थापित हो सकता है, किन चीजों की जरूरत होनी चाहिए, डिजायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। बेगूसराय में भी बकरी महोत्सव में वर्ष 2017 के अक्टूबर में संबोधित करने का अवसर मिला था, नवंबर, उसमें भी लगभग बातें उसी प्रकार की थी कि एक व्यक्ति में सामर्थ्य क्या है, क्या कर सकता है। इसी बात को जब करते करते लोगों से पूछना प्रारंभ मैंने किया कि बिहार के इतिहास का जो स्मरण करते हो तो क्या भाव जगते हैं, तो पूरे सभागार में इसमें बिहार के हर जिले से लोग थे, युवा थे, सभी के द्वारा बड़े गर्व से कहा गया कि बिहार प्राचीन काल में ज्ञान की भूमि थी, जिसमें नालंदा थी, विक्रमशिला थी, ऐसे शौर्य की भूमि थी जिसका कभी चंद्रगुप्त ने नेतृत्व किया, कभी नंदवंश रहा जिसके कारण यूनान से चलकर आए यवन सैनिकों को लौटना पड़ गया। तब जब उद्यमिता की बात हुई और वर्तमान की बात हुई, और तब जब मैंने पूछा, चलो अच्छी बात है, इतने लोग कहते हो कि बिहार का अतीत थोड़ा गौरवशाली था, लेकिन आप में से कितने लोग हैं
जो पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बिहार का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। कृपया अपने हाथ उठाएं। मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं, आप तो यहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप मानते हैं और जानते हैं, इसलिए हम लोग साथ में चल रहे हैं। उस समय जब सभागार में मैंने प्रश्न किया कि कितने लोग के मन में ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, तो हम लोग बैठे थे प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में गायत्री मंदिर पटना में, करीब 1000 से अधिक की संख्या वहां भी थी, लेकिन उसमें बहुत सोचने पर केवल 3 हाथ उठे। 3 लोग ही थे और तीनों लोगों से जब पूछा गया कि इतने लोगों के मन में विश्वास नहीं है कि बिहार का भविष्य उज्ज्वल होगा, तो तुम तीनों के मन में यह विश्वास क्यों? और तीनों का उत्तर वही था कि जिस क्षेत्र का इतिहास इतना अग्रणी रहा हो उसका भविष्य बड़ा उज्ज्वल क्यों ना हो। सोचना पड़ेगा कि क्या कारण थे जिसके कारण जो वर्तमान परिस्थिति आई या जो निराशा व्याप्त हुई कैसे हुई। जब कुछ नहीं था तब तो ऐसा कर रहे थे, और जब मैं चिंतन करता हूँ तो बड़े अलग दृष्टिकोण से करता हूँ क्योंकि इसी क्षेत्र का हूँ जहाँ के राष्ट्रकवि दिनकर रहे हैं, हर क्षेत्र को देखने की दृष्टि अलग रही। और बिहार को जब देखता हूँ तो पाता हूँ हमारे पूर्वजों की दृष्टि बहुत बड़ी थी, बहुत अलग थी, विलक्षण थी और लोगों को साथ जोड़ने वाली थी। यही कारण था कि जब प्राचीन काल में हम ज्ञान की कल्पना करते हैं तो सब लोग पूरा विश्व जानता है ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है मानव जाति का। रचना की बात करते हैं तो पश्चिमोत्तर भारत में करते हैं, लेकिन वैदिक परंपरा का यदि कहीं अंत पाते हैं, जिसको कहते हैं सबसे अधिक भौतिक भाग वेदों का है, उसको वेदांत कहते हैं। और वेदांत की भूमि यदि कहीं है तो जहां आप खड़े हैं यही प्राचीन बिहार का यह क्षेत्र वो क्षेत्र था जिसमें कभी वेदांत के मंत्रों की दृष्टि हुई। यह हमारे पूर्वजों की सोच ऐसी थी जो भौतिक तत्वों तक सीमित नहीं थी, आध्यात्मिक तत्वों के गुण रहस्यों को जानना चाहते थे। परंपरा रहेगी तो निश्चित आगे बढ़ेगी, बढ़ती गई तभी तो अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी आप देखें तो पूरे विश्व में उस समय जो व्यवस्था बनी थी लगभग ऐसी थी कि किसी एक वर्ग ने शासन का दायित्व अपने ऊपर ले रखा था और उसने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी थी कि अन्य कोई वर्ग शासन कर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ जितने महाजनपद बने लगभग सब में आप पाएंगे कि क्षत्रिय वर्ग ही शासक रहे, लेकिन बिहार अपवाद प्रस्तुत करने के लिए प्राचीन काल से ही तत्पर रही। इसी कारण वेदांत का दर्शन हुआ और यही कारण था जिस क्षेत्र में, जिसको हम आज प्राचीन मिथिला का दक्षिणी भाग कहते हैं, उस क्षेत्र में कभी वज्जी महाजनपद भी स्थापित रही। और वज्जी महाजनपद केवल वैशाली नहीं थी, वैशाली राजधानी थी। वज्जी महाजनपद का एक क्षेत्र जयमंगलागढ़ भी रहा है। उस वज्जी महाजनपद में जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिम में नारायणी गंडक हो, उस क्षेत्र में लोग अलग थे, दृष्टि अलग थी। तभी इस पूरे क्षेत्र में 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जिस समय कहीं कल्पना नहीं थी कि राजा चुना भी जा सकता है। हमारे क्षेत्र में कल्पना थी और न केवल कल्पना थी, उसको साकार करते स्थापित कर चुके थे। 7,707 व्यक्ति पूरे क्षेत्र में चुने जाते थे और प्रत्येक वर्ष वैशाली के संस्थागार में एकत्रित होकर इस पूरे क्षेत्र के गणाधिपति का चयन करते थे। यदि आपस में संघर्षरत होते, किसी बिंदु पर सामने नहीं बना पाते, अलग अलग छोटे छोटे बातों में ग्रसित होते, तो यह संभव होता क्या? आज माइक के ऊपर दिनकर भवन में बैठकर बात कर पा रहे हैं, लेकिन प्राचीन वैशाली के संस्थागार में जब 7,707 गणराजा अपनी वेशभूषाओं के साथ अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचते होंगे तो क्या ऊर्जा रही होगी, क्या भावना रही होगी, जोड़ती होगी और बिना विवाद के अपने गणाधिपति को चयन कर पाते होंगे। कल्पना कीजिए उस शक्ति की जो हमारे पूर्वजों में थी जोड़ने की, तभी तो हम जोड़ पाए। आचार्य चाणक्य यदि चलते तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि किसी और क्षेत्र ने अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व किया? क्यों ऐसा हुआ कि बिहार में ही संभव हो सका कि जिस अफगानिस्तान में आज भी आप जाएंगे, किसी अफगानी से बात करेंगे तो आपकी भाषा नहीं समझेगा? लेकिन उस समय बिना किसी सूचना के तंत्र के यह संभव था कि हम अपने राज्यपाल को यहीं से भेजा करते थे। सोच बड़ी थी, किसी भी अच्छे काम के लिए हर प्रकार के अपवाद को प्रस्तुत करने के लिए तत्पर थी। तभी जब मगध का विस्तार हुआ तो क्यों हुआ? यदि मगध भी इस बात पर सीमित रहता कि हमारे शासक केवल क्षत्रिय होंगे तो नंदवंश का उदय भला कहां होता? लेकिन जब सक्षम थे शासक बने, चीजें बदलती।
सूर्य के प्रकाश को बादल कुछ दिनों तक प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन दिनकर में जो शक्ति है, जो ओझ है, बादल बहुत समय तक नहीं रोक पाते। उसी प्रकार जब सक्षम लोगों ने मगध का नेतृत्व किया तो मगध का जो विस्तार हुआ वो आज के भारत से अधिक विस्तृत उसकी सीमा रही। उन्हीं के हम अंशज हैं। आज यदि हम परेशान होते हैं, परेशानी के बहुत कारण, शिक्षा की बात मैंने कही किस प्रकार से विद्यालयों में मेरे पिताजी महात्मा गांधी विद्यालय बिहार में पढ़े, उस समय क्या शिक्षा का स्तर था बताते हैं। उसी विद्यालय में जब आज जाता हूँ, विद्यार्थियों को देखता हूँ, बात करता हूँ, मन बड़ी पीड़ा होती है, चिंता होती है। मेरे गांव का विद्यालय, इच्छा होती है इसमें कुछ करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, स्थिति पूर्णतः परिवर्तित हो जाए। वहीं पर लेकिन मिडिल स्कूल में जब देखता हूँ दो शिक्षकों का योगदान और देखता हूँ पूरे बिहार बेगूसराय मोहनपुर का विद्यालय और बिहार के मध्य विद्यालय में उसी परिस्थिति में फिर शिक्षा हो रही है, तो मन कहता है कि आशा की किरण जागृत है, प्रयास करेंगे तो परिवर्तन संभव होगा। मैंने भी जब प्रयास किया बड़ी बड़ी चीजों को बदलते देखा है, और असंभव जैसे लोग मानते थे संभव होते देखा है। ऐसा यदि मिलकर हम प्रयास करने लगे, यदि मिडिल स्कूल बिहार में पढ़ाई अच्छी हो सकती है, मोहनपुर में हो सकती है, तो बेगूसराय का विद्यालय में क्यों नहीं हो सकती। आवश्यकता क्या है? ऊर्जा सही दिशा में लगानी है। यदि हम आपस में खंड खंड में बटे रहे, जातियों के नाम पर संघर्ष करते रहेंगे, तो करते रहिए, आपको आनंद आएगा, पेपर में भी छपेगा, सोशल मीडिया पर लोग बड़े बड़े लेख लिखेंगे, बताएंगे कि इस क्षेत्र में कितने लोग इस जाति के हैं, कितने लोग इस जाति के हैं, कितने लोग इस जाति के चुने गए, कितने लोग इस जाति के मंत्री बने। लेकिन बिहार के भविष्य का क्या होगा? इसी तरह युवा पलायन करते रहेंगे, जहां पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, ठंडे रास्तों से आते थे, बहुत पुरानी बात नहीं, 1000 वर्ष पूर्व ही पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था, जो भी राशि दे सकते थे एकत्रित करके एक मंडली विक्रमशिला भेजी थी, इसलिए भेजी थी ताकि वहां से किसी आचार्य को तिब्बत बुलाया जा सके। पहली बार जब मंडली आई तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि भला इतने उस समय विश्व के सबसे बौद्धिक विश्वविद्यालय के आचार्य तिब्बत की ठंड में क्यों जाना चाहेंगे? कोई व्यक्ति अपने कंफर्ट को छोड़कर जाना नहीं चाहता, तो विक्रमशिला के आचार्यों ने मना किया। लोग लौटे तो तिब्बत नरेश उस समय थे लाल लामा, उनको लगा कि लगता है विक्रमशिला के आचार्य हमारी इस राशि से संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें अगर कुछ और राशि हम भेजेंगे तो शायद निश्चित ही वहां से कोई आचार्य आएंगे, तभी तिब्बत में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। 1000 वर्ष पुरानी बात है। लाल लामा नेपाल की सीमा पर गए और उनके द्वारा किसी खदान की तलाश की जा रही थी जिसमें स्वर्ण का भंडार हो, क्योंकि स्वर्ण लाकर विक्रमशिला को भेजना चाहते थे। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि नेपाल के शासकों के द्वारा उनको बंदी बना दिया गया, और बंदी जब बनाया गया तो कहा गया कि आपने जो राशि विक्रमशिला को देने के लिए एकत्रित की है उसे आप नेपाल को सुपुर्द कर दीजिए, तभी आपको मुक्त करेंगे। उनके पुत्र आए राजा से, उन्होंने संवाद किया कारागार में और पूछा कि जो राशि पूरे तिब्बत वासियों ने विक्रमशिला से आचार्य को आमंत्रित करने के लिए एकत्रित की है, क्यों ना उसको हम नेपाल को सुपुर्द कर दें ताकि आपको मुक्त कराया जा सके। लेकिन तब तिब्बत नरेश ने कहा, देखो मैं तो अपने जीवन की अवस्था लगभग पार कर चुका हूं, मेरे जीवन यदि कोई अभिलाषा है तो यही है कि जिनका मैं शासक हूं उन लोगों के बीच ज्ञान का प्रकाश विस्तृत हो, और ये तभी संभव होगा जब विक्रमशिला से कोई आचार्य आएंगे। इसीलिए इस राशि को व्यर्थ ना करो, इसी राशि को तुम लेकर जाओ, नई मंडली भेजो और नई मंडली को विक्रमशिला जाकर बताने को कहो कि उनके कारण आज मैं यहाँ नेपाल में बंदी हूं, निश्चित रूप से तिब्बत उनको आना होगा। और ऐसा करके जब मंडली गई तब भी 3 वर्ष लगे, निवेदन करते रहे, और निवेदन करने पर उस समय विक्रमशिला के सबसे बड़े आचार्य आचार्य आतिश दीपंकर श्री ज्ञान पैदल तिब्बत गए, चलते गए, और आज कोई तिब्बती कहीं भी किसी क्षेत्र में विश्व में हो विक्रमशिला का नाम का स्मरण जरूर करता है, क्योंकि जिस वजह ज्ञान धर्म की नींव कभी तिब्बत में रखी गई उसका उद्गम स्थल विक्रमशिला ही थी। आचार्य को याद करती है, वहां के बच्चे जो आज पिछले बार में आया था, मैं बता रहा था कोटा में आज कोचिंग का सबसे बड़ा क्षेत्र स्थापित हो गया, तो बेगूसराय में क्या कमी है? इतने अच्छे शिक्षक हैं, शिक्षकों की कमी नहीं है,
मुझे स्मरण आता है वर्ष 2018 में मैं आया था, एक कोचिंग यहाँ पर खुली थी आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, वो विद्यालय तो मैं खुद देख चुका हूँ, जिस विद्यालय में मैं पढ़ा उससे श्रेष्ठ विद्यालय मैंने कहीं पूरे भारतवर्ष में नहीं देखा। अनुशासन के साथ पढ़ाई होती थी, इसी सेंट पॉल स्कूल में होती थी, और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अनेक विद्यालयों में पढ़ा हूँ, ऐसी शिक्षा मैंने कहीं और उन्नत नहीं पाई। लोग चाहिए जो प्रेरित हों, उस समय उस विद्यालय में ऐसा क्यों चल रहा था, मैं कल्पना करता तो मैं पाता जो प्राचार्य थे उस समय मिस्टर विषय, उनके अंदर एक अलग भावना थी, एक अनुशासन की भावना थी, एक निष्ठा थी, जिसके कारण पूरे आध्यात्मिक उस पूरे परिवेश में जो शैक्षणिक माहौल बना वो अद्भुत था, उसका मैं प्रतिनिधि आज आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन यह हर विद्यालय में संभव है यदि हमारे शिक्षक प्रेरित हों, उनको प्रेरित करने का हम प्रयास करें। लेकिन होता क्या है, यदि विद्यालय की बात करते हैं तो निराश हो जाते हैं, हम कहते हैं पहले तो ऐसा था, लेकिन देखिए आज प्लस टू में शिक्षक नहीं है, आज ये समस्याएं तो हैं, और समस्याओं से पलायन अगर करेंगे, सोचते रहेंगे समस्याएं नहीं बदलेंगे, समस्याएं तभी मिटती हैं जब उनके प्रतिकार के लिए हम चिंतन करते हैं और कुछ योगदान करना प्रारंभ कर देते हैं। और हर जगह कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी भी धारा प्रतिकूल हो, प्रेरणा के स्रोत जरूर विद्यमान होते हैं। बिहार के जो विद्यालय है उसमें जो शिक्षक हैं अनुपमा जी हैं, मोहनपुर के विद्यालय है उसमें शिक्षक, उनके द्वारा जिस प्रकार का योगदान दिया है, क्या परिवर्तन नहीं हुआ। इस अभियान में जो मूल संदेश है यही है कि लघुवाद, जातिवाद, छोटे छोटे वादों से कोई कहता है मैं इस विचारधारा को, हमको कहता हूँ, इस पर जब तक हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, उस बिहार को पुनः स्थापित करने का सपना भी नहीं देख सकते। लेकिन जब हम इस ऊर्जा को जो हर व्यक्ति में विद्यमान है सही दिशा में लगाएंगे, शिक्षा के विकास में लगाएंगे, समतामूलक समाज के निर्माण में लगाएंगे, उद्यमिता में लगाएंगे, कैसे उसका विकास हो, रोजगार का सृजन कैसे हो, तो चीजें निश्चित बदलेंगी। हर असंभव संभव है यदि उस प्रेरणा के साथ हमने उसको करना प्रारंभ कर दिया। हर व्यक्ति में असीम शक्ति, कई अवसरों पर जब लेट्स इंस्पायर बिहार के अभियान में युवा संवाद का आयोजन होता है तो उसी वेदांत के प्राचीन मंत्र का मैं स्मरण करता हूँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत लोग यहाँ है पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन कितने लोग इसको सुन चुके हैं, कुछ 10 लोग करीब हैं सभागार में जो सुन चुके हैं, कितने लोग इसका अर्थ जानते हैं, भावार्थ जानते हैं। आप जानते हैं, चले अगर इस भावार्थ को मैं स्पष्ट करूं और इस पूरे संबोधन को केवल इसी मंत्र पर छोड़ दूं तो शायद इस जिस व्यक्ति ने भी इस संदेश को ग्रहण कर लिया निश्चित ही अपने जीवन में तो सफल होगा ही होगा, बिहार में भी एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बनेगा दूसरों को प्रेरित करते हुए बिहार को आगे ले जाएगा। क्योंकि वेदांत के मंत्र में ऋषि की दृष्टि है जो पूर्ण था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण पूर्ण मतलब कंप्लीट, जो पूर्ण था वह पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड शेल गो बैक टू द कंप्लीट। संदेश क्या है, जिसने भी इस संदेश को ग्रहण कर लिया दृष्टि बदल जाएगी। हम कहते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, जब आत्मा परमात्मा के संबंध का उसके स्मरण करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, कहते हैं हर आत्मा में परमात्मा का अंश है। ऋषि की दृष्टि है यदि किसी स्वर्ण के टुकड़े को भी हम खंडित करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, तो छोटे टुकड़े में गुण क्या होगा, उसी सोने का होगा जिसको जिससे उसका खंड निकला है। तो जब परमात्मा का अंश आत्मा में है तो परमात्मा का गुण क्या है, उसी गुण को तो हमने पूर्ण कहा। जब परमात्मा की हम कल्पना करते किसी पूर्ण था, परमात्मा का गुण क्या है, असीम, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को अगर छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे तो गणित बताता है कि जो असीम है उसको विभाजित करने पर भी जो मिलता है असीम ही है। तो हर व्यक्ति में यदि उस रूप में हमने देखना प्रारंभ किया तो जो ऊर्जा परमात्मा की है
वह तो समस्त सृष्टि को संचालित करने की क्षमता रखती है, लेकिन उसका अंश रूप यदि हमें विद्यमान है तो समर्थ क्या होगा, क्या होगा? अरे जिस परमात्मा की ऊर्जा अंश रूप में विद्यमान हो, जो परमात्मा की ऊर्जा असीम है, तो आपका समर्थ क्या है? तो जिस व्यक्ति के पास ऐसा असीम सामर्थ्य हो, यदि परिस्थितियों से निराश हो जाए तो कहीं से उचित है क्या? परीक्षा की बात वही, कोई विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिद करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, जब करेंगे मेहनत करेंगे तो पाएंगे, हर असीम शक्ति आपके अंदर है। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि तुम स्वयं को दुर्बल कहते हो, दुर्बल समझते हो, सबसे बड़ा पाप है। सारे सृष्टि की शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित है, परंतु यदि तुम कहते हो कि तुम दुर्बल हो, तो तुमने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी, पट्टियों को हटाओ, मिलकर कुछ करो, और प्रेरणा कहीं और से लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे अपने पूर्वजों की प्रेरणा में इतनी शक्ति है, तो चीजों को बदल सकती है। इसी संदेश को लेकर जब मैंने आह्वान किया, बड़ी प्रसन्नता होती है जिन लोगों को मैं नहीं जानता था जुड़ रहे हैं। संदेश यही है कि जो सक्षम है उनको उनके सहयोग के लिए सामने आना चाहिए जिनको उसकी आवश्यकता है, इसी से एक समतामूलक समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। इस आह्वान पर अनेक संस्थान भी आज सामने आए आ रहे हैं, जिनके द्वारा समाज के ऐसे वर्ग को जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है लेकिन प्रतिभाशाली है, वैसे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। सब लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले किस प्रकार 27 फरवरी को पूरे बिहार के हर जिले में परीक्षा आयोजित हुई, 12,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, उसमें से 80 विद्यार्थियों का चयन कर रहे हैं, जिसमें 40 भागलपुर में 40 पटना में निःशुल्क आवासन सहित पढ़ेंगे। आशा है कि अपने जीवन का आगे अच्छा करेंगे। इसी प्रकार अभी एक अलग संस्था के द्वारा 30 व्यक्तियों को बीपीएससी की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। कारण है कि हम चाहते हैं ऐसे लोग सेवा में आए जिनके मन में यह रहे कि समाज ने हमें कुछ दिया है, और यह संकल्प लेकर आए कि हम जीवन में भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं हैं। अनेक परीक्षाओं में जो विद्यार्थी आते हैं जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं, उनके लिए भी परीक्षा परिणाम अलग अलग संस्थानों के द्वारा अभियान के आह्वान पर इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। 100 बच्चों के लिए रेलवे और बैंकिंग की परीक्षा के लिए भी तैयारी की निःशुल्क व्यवस्था के लिए परीक्षा आयोजित होनी। यह तो बात परीक्षाओं की हुई, लेकिन उसके अलावा बिहार उद्यमिता सम्मेलन के साथ भी हम लोग जुड़ गए हैं, और हमारा प्रयास है कि हर जिले में ऐसे युवक जो नए स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं उनके साथ मिलकर हर जिले में उद्यमिता के हम छोटे चैप्टर्स बनाएं, जो नए लोगों को कैसे हम स्टार्टअप नए शुरू कर सकते हैं, कैसे नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं, उसमें सरकार की क्या नीति, अलग लोग बैठे हैं जो गैर सरकारी संगठन, उनसे आप कैसे लोन प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आप नए उद्यमों को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि जब तक उद्यम नहीं बढ़ेंगे, उद्योग नहीं बढ़ेंगे, बिहार का भविष्य की कल्पना नहीं हो सकती। हम बहुत चीजें बदल सकते हैं, लेकिन जब तक उद्योग नहीं है, रोजगार नहीं होगा, जब तक हमारे लोग हैं उनको पलायन करना पड़ेगा, तो फिर कहाँ बिहार का भविष्य होगा? करना कुछ ऐसा होगा, मिलकर करना होगा, सोचना होगा, संभव है, हर परिवर्तन संभव है, तो अपने छोटे से जीवन काल में मैंने देखा है। और जब प्रेरणा जागृत होती है, किसी बिहार में जब कुछ नहीं था, उसने पूरे अखंड भारत के साम्राज्य को एक कर दिया था। हर व्यक्ति में वह सामर्थ्य है जिसकी कल्पना जब हम लोग करते हैं तो बड़ा मानते हैं, तो पूरे सृष्टि की सामर्थ्य को लिए हुए, इसलिए निराश नहीं होना है, आशा को मन में जागृत रखना है। जो निराशावादी है उनसे अभी दूर रहना है। अभियान चलता है तो तरह तरह की बातें होती हैं, लोग कहते हैं कैसे संभव हो गया भाई, इतने एक साल में 25,000 लोग जुड़ गए। अरे जुड़ गए कि हर व्यक्ति चाह रहा है, जो जुड़ा है कि बिहार बदले, इसलिए जुड़े, लेकिन उस पर भी यदि कोई टीकाकरण नहीं करता है, मेरे मन में या किसी के मन में जो भाव है, बड़ा पवित्र हो, निस्वार्थ हो, तो भाव अपने आप आगे बढ़ेगा। यदि हम सही बात को लेकर चलेंगे तो निश्चित ही आगे भी सही ही होगा, लेकिन आपके मन में जो इस प्रकार का स्वार्थ हो जिसमें आप किसी चीज को प्राप्त करने का ऐसा कुछ कर रहे हैं, कोई छोटी मंशा हो, तो निश्चित आप सफल नहीं होंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट, कि इसमें जितने भी व्यक्ति जुड़े हैं केवल इसी आह्वान पर जुड़े हैं कि हर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा है, बिहार को बदल सकती है, और यही आह्वान है कि इसी रूप में मैं चाहता हूँ कि बात हम सभागार में कर रहे हैं, जब यहाँ से निकले हैं, इसको विस्तृत करना है, सकारात्मक लोगों को जोड़ना है, और नकारात्मक लोगों की टिप्पणी से प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि एक समय आएगा जब कोई नई चीज चलती है, जो धारा प्रतिकूल चलती है,
सकारात्मक दिशा में चलती है तो लोग ऐसे आएंगे जो टिप्पणी कर सकते हैं, अलग प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब देखेंगे कि सकारात्मक ऊर्जा में शक्ति कितनी है तो सारी नकारात्मक शक्तियां अपने आप नष्ट हो जाती हैं। जैसा मैंने कहा बेगूसराय का जो कॉन्फिडेंस है कि अगर सही कर रहे हो तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तो वो भी मैं कहना चाहता हूँ कि मन में संकल्प हो कि बिहार को हम बदलेंगे कोई रोक नहीं पाएगा जिस दिन हम सब ने संकल्प ले लिया। और हर व्यक्ति से मुझे आशा है, हर युवा के मन में उस स्वप्न को मैं देखता हूं और चाहता हूं कि उसका हिस्सा बने, परिश्रम करके स्थापित हो, परिश्रम करके उद्यमशील बने, स्थापित हो, लेकिन स्थापित होने के बाद केवल अपने लिए नहीं जी, अपने लिए हम जीते रहे तो परिवर्तन नहीं हो। कुछ समय जो आप दे सकते हैं समाज के लिए दें, जैसे अभी डॉक्टर शांडिल्य हैं उनसे बात हो रही है, बेगूसराय के हम सबके गौरव हैं, पहले हार्ट सर्जन है उत्तर बिहार के, पिछले बार आए थे जिनसे बात हुई, उन्होंने कहा कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे हम हर गाँव में इस प्रकार से लोगों को जोड़ें जिनको उसकी आवश्यकता हो, उसको अपने एलेक्सिया हॉस्पिटल में भी किस प्रकार सुविधा प्रदान करें कर सकते हैं। अशोक बाबू बैठे हैं, इनके द्वारा पिछले बार कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा कि मैं 5 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी मैं रिटायर भी होने वाला हूँ, अभियान में पूरी ऊर्जा दूंगा। तो चीज़ें जब प्रेरणा बढ़ती है तो विस्तृत होती है, लोग जुड़ते हैं और कोई भी परिवर्तन तभी संभव होता है। बघा को मैंने नहीं बदला, लोग जुड़े, सकारात्मक भाव थे, सकारात्मक भाव की ऊर्जा ने जोड़ दिया। रोहतास मैंने नहीं बदला, लोग बदले, वहाँ के आदिवासियों ने बदला, शस्त्र तो वही उठा रहे थे, उन्हीं शस्त्रों को उन्होंने समर्पित कर दिया, लेकिन चीज़ें जब बदली तो आज वही रोहतास पर्यटक स्थल है, विकास की असीम संभावनाएं हैं, चीज़ें बदलेंगी। एक कुशल नेतृत्वकर्ता चाहिए और नेतृत्वकर्ता हर व्यक्ति में विद्यमान है यदि उसने स्वयं को जान लिया। यदि एक चाणक्य चाहे तो एक चंद्रगुप्त एक बालक में सामर्थ्य जब उन्होंने देखा तो यह नहीं सोचा कि किस जाति का है, लेकिन सामर्थ्य को लेकर आगे चले तो पूरे भारत को उन्होंने एक सूत्र में जोड़ा कि नहीं जोड़ा। वैसे में यदि हम सोचेंगे कि भाई डीएम की पोस्टिंग हुई है तो डीएम कौन जात के हैं तो बिहार कहाँ बदलेगा। इस चीज़ को मन से निकालना होगा। क्षमताओं का सम्मान प्राचीन काल से बिहार करती रही, जब तक करती रही बिहार बढ़ती रही। जब क्षमताओं का सम्मान छोड़कर हम छोटे छोटे बातों में ग्रसित हुए वहीं से हमारा उस मार्ग पर हम चलने लगे जिसको फिर बदलना है। जब फिर बदलने लगेंगे तो उन्हीं पूर्वजों के यशस्वी वंशज हम और इस प्राचीन क्षेत्र के प्रतिनिधि हम, जहाँ राष्ट्र कवि दिनकर की हर पंक्ति में ओज है उस परिवर्तन को ललकार कर कहती हर युवा से कहो। तो मैं कहता हूँ यदि राष्ट्र कवि का है सम्मान नहीं केवल पुष्पदान, यदि राष्ट्र कवि का है सम्मान नहीं केवल पुष्पदान, दिनकर मार्ग मांगे अग्र प्रस्थान। उन भावनाओं को उन पंक्तियों को धारण करके हम आगे जब चलेंगे दिनकर जी कहेंगे थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, और अधिक ले जांच देवता इतना दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दिनकर जी की पंक्तियों में ओझ है, दिनकर जी की हर पंक्ति ने मुझे बचपन से आज तक प्रभावित किया है, प्रेरित किया है, चाहे आईआईटी की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे आज इस अभियान को लेकर मैं चल रहा हूँ उसमें भी दिनकर जी की कविता प्रेरित करती है। अपने पूर्वजों से मैं उनका स्मरण करते ऊर्जा ग्रहण करता हूँ तो दिनकर जी की पंक्ति याद आती है जब चांद कहता है मैं चुका हूँ देख तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों को सही करते। जब मनु की बात आती है तो दिनकर कहते हैं मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है, वान ही होते विचारों के नहीं केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। तो आइए मिलते हैं, मिलकर कुछ छोटे छोटे योगदान देना प्रारंभ करते हैं और जिस स्वप्न के हाथ में तलवार है उसको लेकर बिहार के भविष्य के उज्ज्वल बनाने में अपना योगदान करते हैं। सभी लोग मेरे आत्मज हैं, स्वजन हैं, आपके बीच में बात करने में जो बातें हुई बिल्कुल मन से हुई, क्योंकि वैसा कोई अडंबर हो ही नहीं सकता जो अपने क्षेत्र में हो, अपने अग्रज बैठे हों, अपने स्वजन बैठे हों, तो उस अनुभूति को बताया नहीं जा सकता कि मन को किस प्रकार से प्रभावित करती है और लगता है कि जैसे पर मैं हूँ तो अपने पूर्वजों के उस उत्तराधिकारी के रूप में हूँ, जिन पूर्वजों में वो क्षमता थी जिसे पूरा विश्व कभी उस रूप में जानता था और उससे प्रेरित होता था, उन्हीं पूर्वजों को उत्तराधिकारी के रूप में आज आपके समक्ष खड़ा होकर इस युवा संवाद के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ। मिलकर हम कुछ करते हैं, अपने जीवन काल में कुछ करते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियाँ हम पर गर्व करें।
सभी को आने के लिए हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद। व्यवस्था जो है उसमें काफी कार्यक्रम है, लेकिन यदि कुछ प्रश्न करना चाहेंगे तो हम लोग इस पूरे कार्यक्रम के बाद उसके लिए भी कुछ समय दे सकते हैं, और आने वाले समय में भी प्रश्न करने के लिए, संवाद को समझने के लिए हर समय, जैसा प्रभाकर जी ने बताया, मैं उपलब्ध हूँ, कहीं भी आप उससे मिल सकते हैं, आपका ही हूँ, आपके बीच का हूँ, बिहार भी आता रहता हूँ, और बेगूसराय में समय समय पर जब भी अवसर मिलता है आता रहता हूँ, तो उस दूरी कहीं नहीं है, मिलकर हम करना चाहेंगे तो निश्चित ही हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे, जैसे मैंने बात कही, बेगूसराय को जो मैं देखता हूँ, उद्योग की नगरी तो है ही, बहुत आगे ले जाना है, बहुत संभावनाएं, असीम संभावनाएं हैं, साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अनेक शिक्षण संस्थान यहाँ स्थापित हो, एक ऐसा समय आए जब विश्वविद्यालय भी यहाँ स्थापित हो जाए, इस परिकल्पना के साथ हमें आगे काम करना है। धन्यवाद, जय हिंद।